अब सावरकर एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एथिस्ट थे, इनके लिए हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, रिलीजियस नहीं। ये एक फैन बॉय थे हिटलर के भी। तो नाज़िज्म जहां एक तरफ प्योर जर्मन आर्यन ब्लड की बात करता था, सावरकर हिंदुत्व में प्योर हिंदू ब्लड की बात करते थे। इनके लिए हिंदूज की डेफिनेशन में हिंदू, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट सब हिंदू थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लीव आउट कर दिया गया था। जहां एक तरफ सावरकर जैसी पर्सनैलिटीज थी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी में विश्वास रखती थी, उसके कॉन्ट्रास्ट में लोग थे बाल गंगाधर तिलक जैसे। अब तिलक भी एक हिंदू थे और सोशली कंजर्वेटिव आदमी थे, कई मायनों में ये सही में बहुत कंजर्वेटिव थे। जैसे कि ये लड़कियों के लिए जब स्कूल खोला जाता था उसे अपोज करते थे, और ये अपोज कर रहे थे इस डिसीजन को कि लड़कियों की जो मैरिज के लिए एज है उसे 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी जाए। लेकिन कंजर्वेटिव होने के बावजूद तिलक उन लोगों में से थे जिनकी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इंक्लूसिवनेस में विश्वास रखती थी, लोगों को साथ जोड़ने में विश्वास